अयोध्या में एक दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को केवल इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने खाना देने में देरी कर दी। इससे नाराज पति ने पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। पूरा मामला कैंट कोतवाली के गद्दोपुर गांव का है। मोहल्ले के थे, मेरे सर में दर्द था, सुबह खाना नहीं खाए थे, शाम को खाए थे, और फिर कह रहे थे तुम्हारा भी सर नहीं ठीक है, खा फिर नहीं ठीक है। मैंने कहा खाना नहीं खाया, और दर्द नहीं खत्म होगा, दवाई नहीं खाई थी, और फिर देहे लहसुन प्याज चलाए, झगड़ा करने लगे हमसे, ऊपर ला पैर से अपने मार दिया, मेरे दर्द पेट में दर्द हुआ, आटा सान रहे थे, आटा सान के छोड़ दिया, उनको सब लोग जला दिए। क्या नाम है आपका? अनुराधा। राधा। पीड़ित राधा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 31 मई को जो है था लड़की की बरही थी, उस बरही में चंद्र प्रकाश जो है वो हमारी लड़कियों को लेकर के आई, फिर 2 तारीख को वो हमारे घर से 7 सुबह भी अपने घर पे लेके आई। अब शाम को ये घटना घट गया तो हम लोग यहाँ 12 बजे रात को पहुँचे। हमको तो यही पूरा विश्वास है जैसे लड़की जली हुई है कि लड़की मतलब जलाई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हाँ, ये बात सही है, अभी मामला प्रकाश में आया। ये गद्दोपुर में एक पति ने अपनी पत्नी से सब्जी बनाने को लेकर कहा और उसकी पत्नी द्वारा मना किए जाने पर पति द्वारा उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की बात प्रकाश में आई है। और चूँकि डैंग डिक्लेरेशन के टाइम पे उस औरत द्वारा यही बताया गया, इसी आधार पे हम लोग आगे उसमें उसके भाई की तहरीर मिली है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि दोनों ही जल गए हैं तो अभी प्रथम दृष्टया दोनों हॉस्पिटल में हैं तो दोनों का इलाज चल रहा है। इस हादसे में पीड़ित के साथ उसका आरोपी पति भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि जब आरोपी ठीक होगा तब उसे गिरफ्तार कर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद समाज में बिखरते रिश्ते और सामाजिक ताने बाने पर एक बार फिर से सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।